स्ट्रेटनर से ही मैंने ये कर्ल दिए थे। और ये टमाटरों का जो छिलका है ना, ये इतना ज्यादा ही ना होगा। तो मैंने ये रेमिंगटन का स्ट्रेटनर निकाला था, मैंने कराची की बालों की क्वालिटी को कम से कम डैमेज करता है ना। ये मुसलसल ब्लिंक हो रही है, टू थर्ड कम अड़ेंगे कम उलझेंगे, और ज्यादा जो फ्रिजी होते हैं ना, जो बिल्कुल। इस रेसिपी से आप चिकन कढ़ाई एक बार साइड पर ना लेस लगा रही थी इस तरह की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग, एक और नई रूटीन में एक और नए व्लॉग के साथ। यार आज का मेरा दोबारा से व्लॉग टोटो टोटो में मैंने बनाया है यानी कि दो तीन दिन का मिक्सचर है, क्योंकि देखो हर दिन जो होता है ना वो बंदे का प्रोडक्टिव नहीं होता, और हर दिन इतने ज्यादा काम करने के लिए भी नहीं होते। तो जैसे जैसे काम करने के लिए होते जाते हैं, मुझे टाइम मिलता जाता है, वो मैं रिकॉर्ड करती जाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ वो चीज़। खैर मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया रात के खाने से। आज रात का खाना मेरा फेवरेट, मुझे इतनी पसंद है, बाहर जो देख वाली बिरयानी मिलती है ना सही, बहुत सारी घी और तेल में बनी हुई, आज वो हमने मंगाई थी, वो मैंने खाई। और फिर उसके बाद ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। ये बिल्ली जो है ना, इसने हमारे घर में तीन बच्चे दिए, इतने क्यूट लग रहे थे, मैं अभी फ्रेश भी नहीं हुई थी, मैंने इसको देखा, मैंने फ़ौरन से थक करके मोबाइल निकाला है, वीडियो बनाई है। खैर फिर उसके बाद जो है मैं आ गई अपनी वर्क प्लेस पर। अच्छा चैनल को इसी बीच जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब करो अभी के अभी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना, अच्छे से कमेंट्स भी कर देना। खैर मेरा टी टाइम था, मैंने चाय पी। टी लवर्स को भी पता होगा कि यार चाय दिन चाय के बगैर नहीं गुजरता। हाँ खैर उसके बाद मैं घर आई हूँ। मेरी मम्मा ना ये दुपट्टे पर अपनी साइड पर ना लेस लगा रही थी, इस तरह के छोटे मोटे काम मेरी मम्मा खुद ही कर लेती हैं माशाल्लाह से। तो मैंने कहा चलो मैं ये वाला क्लिप दिखा देती हूँ, क्योंकि दुपट्टे के साइड्स पर लेस लगी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो एक न्यू आइडिया, अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहे अपने दुपट्टे पर, तो वो इस तरह से ट्राई कर सकता है। खैर यहाँ पर फिर हम आ गए बाल स्ट्रेट करने के लिए। मैंने अपनी अम्मा के आज बाल स्ट्रेट करने थे, तो मैंने ये रेमिंगटन का स्ट्रेटनर निकाला था, मैंने कराची से लिया था इम्तियाज स्टोर से, सेरामिक ग्लाइड 230। इसके पता है ये जो रेमिंगटन की प्लेट्स है ना, ये सेरामिक की बनी हुई होती हैं, और आपको पता है वैसे तो स्ट्रेटनर नो डाउट बाल डैमेज ही करता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का स्ट्रेटनर लेंगे, जैसे कि ये रेमिंगटन का स्ट्रेटनर अच्छी क्वालिटी का होता है, तो ये आपकी बालों की क्वालिटी को कम से कम डैमेज करता है। इस तरह से बटन होता है इसका, इसको बंद करोगे लॉक हो जाएगा स्ट्रेटनर की प्लेट्स, और खोलोगे तो खुल जाएगा। हो रही है इसकी टी ढीली है, प्लग लगाने के बाद ये जो अब देखो ब्लू लाइट है ना, ये मुसलसल ब्लिंक हो रही है। 230 तक इसका टेम्परेचर जाता है, और जब ये ब्लिंक खत्म हो जाएगी ना, यानी कि ब्लिंक करना बंद हो जाएगी, कंटिन्यूसली ये जलेगी, तो इट मीन्स अब ये परफेक्टली रेडी है। इसे आप स्ट्रेट करो, या देखो अब कंटिन्यूसली चल रही है ना, अब स्ट्रेट करो कर्ल करो जो, अब ये रेडी है, स्ट्रेटनर तैयार हो चुका है। चलो अब मैं शुरू करती हूँ, फिर मैं दिखा देती हूँ। तो वो लोग भी कहेंगे माँ को दुल्हन बना रही है। अब ये 230 डिग्री पे गर्म हो गया, अब मैं इसका लॉक खोल रही हूँ। ये खुल गया लॉक, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोनू ये नहीं हो पाएगा, तुम मेरी स्ट्रेट कर दो। नॉर्मल स्ट्रेट करूंगी, डेड स्ट्रेट नहीं करूंगी। अच्छा आज मेरी मम्मा ने शादी में जाना था, तो उसके लिए मैंने कहा मैं बाल आज मम्मा के कर्ल करूंगी, लेकिन कर्ल करने से पहले स्ट्रेट करना बालों को जरूरी है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा मेरी मम्मा के बाल इंतहाई हद से ज्यादा जो फ्रिजी होते हैं ना, जो बिल्कुल फूले हुए रफ होते हैं उस तरह से है ना। तो मैं आपको इसकी टेक्निक बताती हूँ कि आपने कैसे करना है बालों को स्ट्रेट। मम्मा के बालों का ऊपर वाला पोर्शन के जो बाल थे वो मैंने बांध दिए हैं कैचर से, और अभी सिर्फ नीचे वाले पोर्शन को साथ साथ मैं कंघा भी नीचे रखा हुआ है लेके आती जा रही हूँ, और साथ साथ ऊपर से स्ट्रेटनर फेरती जा रही हूँ। इससे पता है क्या होता है, बाल कम अड़ेंगे कम उलझेंगे और कम टूटेंगे, वरना ऐसे फ्रिजी बालों को आप जो है अगर कंघे के बगैर स्ट्रेट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, स्ट्रेटनर की प्लेट्स में अड़ते भी बहुत हैं। खैर उसके बाद ये देखो मैंने स्ट्रेट करने के बाद इनको कर्ल किया है, स्ट्रेटनर से ही मैंने ये कर्ल दिए थे, और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। खैर उसके बाद ये है शाम की चाय का टाइम, और यहाँ पर मैं ना दाल से, मुझे ये वाली जो मिक्स दाल से वो तैयार, ये इतनी पसंद है और ये इतनी अच्छी लगती है चाय के साथ। पता है एक सिप चाय का लिया करो और एक सिप इस दाल से, कपड़े मजा आ रहा है। अब बन रहा है जी डिनर। हाँ ये वॉश करके देना, ये बन रही है हमारी चिकन कढ़ाई। ये लो मैंने कई चम्मच वापस नहीं लग लो, ये वाला चम्मच चाहिए, मैंने चेंज कर लिया है चम्मच। ये मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, इसमें ना मैंने अभी लहसुन में डाल दिए चिकन, इसको थोड़ी देर के लिए करना है फ्राई, और बाकी ये जो है टमाटर बस देखें ऐसे टू टू पीस में कट करने हैं सेंटर में से टमाटर। चलो इधर दो, साथ साथ मैं इसमें टमाटर डाल दूँ, अल्लाह मेरा हाथ ना सड़ जाए। बस 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 करो, टमाटर ज़्यादा ही ना हो गए। थोड़ा सा इसमें पानी इसलिए डाले ताकि लहसुन नीचे न लगे भाई, इसको जो है ना कवर कर देते। तो 5-10 मिनट के लिए टमाटर जब तक ना छिलका छोड़ दें, मैं इसका खोलती हूँ ढक्कन,
और ये देखें टमाटरों का जो छिलका है ना, ये ऐसे करके खुद पील हो जाएगा, इसको आपने उतार लेना है ना। अभी मैं छिलके सबसे पहले उतारूंगी, देखिए आराम से मज़े के साथ ना ऐसे छिलके उतारते जाएंगे। आप चमटे से ना ऐसे करके सारे छिलके उतार लेना। मैंने उतार लिए हैं। यहाँ पर मैंने चावल बॉयल होने के लिए रखे हैं, ये देखें ये भी होने वाले हैं तकरीबन बॉयल। सारे टमाटरों को पीस लेना है और इस तरह से टमाटरों की ग्रेवी बन जानी है सारी का। हल्दी पाउडर थोड़ी सी, इतनी सी कुटी लाल मिर्च बस, सॉल्ट टू टेस्ट, ये धनिया पाउडर। मेन इंग्रेडिएंट इसका है काली मिर्च, काली मिर्च जाएगी। अभी 1.5 टीस्पून डाल दें, आप मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। और अब इसको भूनेंगे। जाती ना ये कढ़ाई गोश्त मसाला है जो मुझे लगती है। 1 टीस्पून ये देखें, और इसके बाद ना अब इस चिकन को भून लेना है, बीच से कट करके दे दें। ये इसमें डालूंगी दही, में इसको दही के साथ भून लेंगे। ये खोल कर देना प्लीज। अब ये इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी, इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, थोड़ी सी डाल, नहीं कसूरी नहीं सॉरी, ये जो होती है ना आम वाली वही मेथी है। और ये आखिर में इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और डालिए। अब बस 2 मिनट के लिए तेज आंच पर भून लेंगे और बस अब इसको ना कवर करते हैं। इस रेसिपी से आप चिकन कढ़ाई एक बार जरूर बनाना, क्योंकि बहुत टेस्टी बनी थी। यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे दुआओं में याद रखना। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।